एचआईवी पहली बार भी असुरक्षित संबंध बनाने से हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला एचआईवी से ग्रसित है या नहीं। इसीलिए हर बार असुरक्षित संबंध बनाने से बचना चाहिए और हमेशा सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर लौट कर गया तो मुझे लगा कि मैं इतने सालों से इस घर में अकेला रह रहा हूँ। एक वक्त ऐसा होता है जब आपको लगने लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपके आसपास जो कुछ भी होता है वो सब झूठ है, भ्रम है, मिथ्या है। आपके पास विक्रम है। और जिसके पास विक्रम जैसा बेटा हो उसे और किसी भी चीज की क्या जरूरत है? इतने सालों से मैं राजनीति कर रहा हूं और अब मैं कोई राजकाज नहीं करना चाहता, ना ही कोई मैं नीति बनाना या बिगाड़ना चाहता हूं। खुद के साथ एक लंबे सफर पर निकल जाना चाहता हूं। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं चाहता हूं कि कानूनी रूप से मेरी जांच हो और मैं ईमानदारी से कानून का साथ दूं, के बाद खुद की तलाश में लंबे निकल पड़ूं। इतने सालों राजनीति की सेवा की, बस इतना जान पाया हूं कि सेवा के लिए किसी सत्ता या पद की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई, ईमानदारी और संवेदनशीलता की जरूरत है। आपका ये फैसला सुनकर मन भर आया। स्नेहा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम का प्रोजेक्ट हमरा ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। नमस्कार, मैं हूँ मीठी और मैं हूँ अनुराग। किशोर का शोर इस गेम शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम कमला है और मैं 16 साल की हूँ, खिलाड़ी हूँ। हर 1000 मीटर रेस में फर्स्ट आती हूँ, पर पता नहीं क्यों कुछ दिन से बहुत थकान हो रही है। फिर मैं आशा दीदी से मिली, उन्होंने मेरा खून जांच कराया तो पता चला कि मुझे अनीमिया हो गया है। IFA की गोलियाँ जादू है, लेकिन इसे ANM दीदी की सलाह लेकर लेनी चाहिए, खाने के आधा घंटा पहले। वैसे कुछ और घरेलू तरकीबें हैं आयन बढ़ाने के लिए, जैसे कि घर में लोहे के बर्तन में खाना पकाना, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना और ऐसी फल सब्जियां खाना जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा। साफ सफाई हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अनीमिया और उसके जैसी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। किशोर का शोर, एक ऐसा गेम शो जिसने किशोर किशोरियों के जीवन के हर पहलू को आवाज दी और गलत धारणाओं को झूठा साबित किया। अक्सर ये माना जाता है कि लड़कों को ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, वो ज्यादा मेहनत करते हैं तो लड़कियों के मुकाबले उन्हें ज्यादा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। जैसे डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि जेंडर यानी लिंग के आधार पर पोषण में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे देश में 50% यानी 50% महिलाओं में खून की कमी है, उन्हें एनीमिया है, जिसकी खास वजह यह है कि उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिलता। हम ये हमेशा याद रखें कि औरत के स्वास्थ्य पर ही देश का स्वास्थ्य निर्भर है। मेरा नाम ढोला राम है और मैं 15 साल का हूँ।
कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सा हो रहा था, अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे और रात को सोने के वक्त भी मुझे अजीब सा होता था। समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे शरीर के साथ हो क्या रहा है। न पढ़ाई में ध्यान लगता था और न खेल में, पूछूं तो किससे पूछूं। एक दिन हमने दीवार पर बाबा का इश्तिहार देखा तो पता चला कि हमें स्वप्न दोष हुआ है और बाबा ठीक कर देंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। सोचा दोस्तों से उधार ले लूं, लेकिन माँ और बाबूजी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। आखिर करें तो क्या करें। स्वप्न दोष आपके बढ़ते हुए शरीर के विकास का एक प्रतीक है। जब आपकी उम्र के लड़कों में उनके शुक्राणु परिपक्व होने लगते हैं तो वो स्वप्न दोष के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलते हैं। तुम्हारे जैसे बढ़ती उम्र के लड़कों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इससे तुम्हारे शरीर में कोई कमजोरी पैदा होगी और ना ही तुम्हें थकावट महसूस होगी। तुम बस अपने खान पान और व्यायाम पर ध्यान दो ताकि तुम्हारे शरीर का सर्वांगीण विकास हो। याद रखिए कि स्वप्न दोष आपके शरीर के विकास का प्रतीक है। जरूरी नहीं कि इसका संबंध गलत विचारों से हो, ये प्राकृतिक और स्वाभाविक है। मेरा नाम संजय है, मेरी उम्र 15 साल है। मैं बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं पीता। एक दिन मेरे दोस्त मुझे पार्टी में ले गए, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुझसे कभी कोई लड़की नहीं पटेगी, सब तुझे बच्चा समझेंगे। मैंने उस दिन एक सिगरेट फूंक ली, फिर मुझे एहसास हुआ जो मैंने उस दिन किया बहुत गलत किया और अब मुझे लत लग गई, मैं क्या करूं। देखो, दोस्तों को ना कहना इतना मुश्किल भी नहीं है और ना कहने से आप बदतमीज नहीं हो जाते। बहुत प्यार से समझाने से ये टाला जा सकता है और आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो आप पर जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे, आपकी ना को भी समझेंगे। तुम बड़े हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सोच विचार से शरीर से बढ़ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ में बीड़ी या सिगरेट उठा लो। ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी गैर जिम्मेदारी दिखाते हो, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हाथ में बीड़ी सिगरेट ले ली, ये तो तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर देखा जाता है कि तुम्हारी उम्र के लड़के अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना रुतबा जमाने के लिए हाथ में बीड़ी या सिगरेट उठा लेते हैं या फिर किसी और तरह से गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब से सिर्फ तुम्हारी हानि होती है। यूं ही दिखावा करते करते कब इसकी लत लग जाएगी पता भी नहीं चलता। हमारा नाम सौम्या है, हम 16 साल के हैं। हमें स्कूल खत्म होने के बाद अपनी सहेली के घर जन्मदिन पर जाना था। वहाँ पर हमें एक लड़का मिला जो हमारे पीछे पड़ गया कि हमें घर तक छोड़ देगा। हमने उसे लाख मना किया मगर वो माना ही नहीं और उसी बहाने से हमें छूना चाहा। हम डर से गए थे, सहम गए थे। उसने हमें छूमा और इधर उधर छुआ भी। हमें उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन हम करते भी क्या। मगर हमें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने उसे रोका क्यों नहीं, मदद के लिए किसी को चिल्लाए क्यों नहीं, हल्ला क्यों नहीं मचाया। जैसा कि अभी हम सब ने देखा और सुना, संजय और सौम्या किशोरावस्था के बहुत ही नाजुक मुद्दे से जूझ रहे हैं। दोस्तों के साथ क्या व्यवहार करें क्या नहीं, कितने आज़ाद हों कितने नहीं, कितना जोश में पहें और कितना होश में रहें, ये सवाल बहुत अहम है और इसका जवाब ढूंढना उतना ही जरूरी। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न। सौम्या डर से उस लड़के को कुछ भी नहीं कह पाई,
तो क्या ये सही था? क्या चुप रहना ही बेहतर है? सही या नहीं? नहीं, ये सही नहीं है। चुप रहना, सहना, ये भी गलत है। हम लड़कियां डरकर चुप हो जाती है क्योंकि सामने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है। तनु, तुमने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उस लड़के ने जो किया गलत किया। इस उम्र में लड़के लड़कियों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत बदलाव आ रहे होते हैं। हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। एक दूसरे के पास आने का मन करता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, आकर्षण दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा नहीं। आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की के मुंह से ना सुनने और समझने की हिम्मत लड़के में होनी चाहिए और लड़कियों को सहमना नहीं चाहिए। जो भी गलत लगे उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, बिना ये सोचे कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, उनसे क्या कहेगा। दोस्तों के डर से सिगरेट पीना कोई मर्दानगी नहीं और जबरदस्ती किसी भी स्त्री को छूना बहुत शर्मनाक हरकत है, कायरता है, और ये ऐसा अपराध है जिसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, आप जेल जा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा अपराध होता है या आप उसे देखते हैं तो खामोश ना रहें, आवाज उठाएं। मेरा नाम प्रदीप है, मैं 16 साल का हूं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ काम करता हूं, गांव के बाहर जाता हूं, आज़ाद रहता हूं, इसलिए मैंने बहुत बार शारीरिक संबंध बनाए अलग अलग लड़कियों के साथ बिना सुरक्षा अपनाए। लेकिन कुछ दिनों से परेशानी में हूं, जलन है मेरे गुप्त अंग में, पेशाब करते वक्त भी जलन और दर्द है। अब ये बात कैसे और किससे कहूँ? दोस्तों से कहा तो वो हकीम के पास जाने को बोलते हैं, अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। बिना सुरक्षा के शारीरिक संबंध करने से कई तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा है और कई बार तो ये खतरा जानलेवा भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, HIV से बचने के लिए कभी भी असुरक्षित शारीरिक संबंध करने से बचना चाहिए। HIV पहली बार भी असुरक्षित संबंध बनाने से हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला HIV से ग्रसित है या नहीं। इसीलिए हर बार असुरक्षित संबंध बनाने से बचना चाहिए और हमेशा सुरक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसे रोकना अब बहुत मुश्किल है। हम अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर पालम गांव में जा रहे हैं, एक मॉडल विलेज यानी कि एक आदर्श गांव की नींव रखने, ताकि पूरा देश ये जान सके और देख सके कि किशोर का शोर क्या होता है। सांझ हो या भोर, अब कोने कोने में गूंजेगा किशोर। हम पंछी की तरह थे, उड़ने को तैयार, एक नया सफर, नए रास्ते, नई मंजिल। हाँ, पर हम साथी पुराने थे। ये
ये है पालम गांव, एक खूबसूरत छोटा सा गांव जहां अपनी चुनौतियां हैं। पर हम इस गांव को एक सपनों का गांव बनाना चाहते हैं, एक आदर्श गांव, एक ऐसा गांव जो प्रेरणा बने पूरे देश के लिए। पहले प्रतापपुर, फिर सूरजगढ़ और अब पालम गांव। यूं समझ लो कि हर बार एक नया आसमान, एक नई उड़ान। और ये हमारी नई मंजिल। करिश्मों पर अब विश्वास होने लगा है, रास्ते खुद ब खुद बन रहे हैं। किसी नेक इंसान डोनर ने ये खूबसूरत बंगला हमारे काम के लिए, हमेशा के लिए डोनेट किया है। आज भी इस दुनिया में फरिश्ते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक नई सुबह आती है हमेशा नई किरणों के साथ, उम्मीद की किरणें, बदलाव की किरणें, आशाओं की किरणें। पालम गांव एक नई चुनौती। किशोर और किशोरियों को लेकर जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उन्हें लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम आप सब लोगों में से एक किशोर और एक किशोरी को चुनेंगे, जिन्हें हम ट्रेनिंग देंगे और फिर वो बन जाएंगे आप सबके साथिया। इस साथिया से आप खुलकर अपने दिल की बात कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। फिर वो चाहे आपके शरीर में आ रहे बदलाव के बारे में हो, या पोषण के बारे में हो, आपकी खुशहाली के बारे में हो, हिंसा के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो, या कोई और परेशानी, आप बेझिझक बात कर सकते हैं जैसे अपने दोस्तों से करते हैं। और अगर उनको लगा कि आपको और सहायता की जरूरत है तो वो आपको एएनएम दीदी के पास लेकर जाएं, और जरूरत हुई तो डॉक्टर के पास भी। और ये जो आपकी आशा दीदी हैं, ये आपके घर घर जाकर के आपके माँ बाप से मिलेंगी, उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में समझाएंगी और उन्हें अपने साथ करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। आप लोग चाहते हैं ना कि एक ऐसा साथिया हो जो आपकी छोटी छोटी समस्याओं पर विचार करे और उसका सही समाधान निकाले? हाँ। अरे जरा जोर से बोलो। हाँ। ये हुई ना बात, तो आप ही चुनिए किसे बनाना चाहेंगे। लड़कियों में से कौन बनेगा? खुशी। और लड़कों में से साथिया कौन बनेगा? नहीं। तो हमारे साथिया हैं नवल और खुशी। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर लड़कों से बात करना भी मना है, उन्हें तो पान की दुकान के पास भी नहीं खड़ा होने देते, तो क्या वो हमें ऐसे खुलेआम सबसे मिलने देंगे? घर पर अगर पता चला कि हम लड़कियों से मिलकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते हैं, तो पहले तो वो खूब हंसेंगे और फिर इस पर रोक लगा देंगे।
आपके घर घर जाकर आपके घर वालों से बात करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम है ना? तो चुनाव हो चुके, साथिया चुन लिए गए, तो अब चले हम थोड़ा खेलें। हर गांव का रास्ता शहर तक जाता है, फिर शहर का रास्ता गांव तक क्यों नहीं आता? मुंबई से प्रतापपुर लौटते वक्त यही ख्याल डॉक्टर स्नेहा के मन में आया था। इस ख्याल ने डॉक्टर स्नेहा के साथ साथ पूरे प्रतापपुर को बदल दिया। आज डॉक्टर स्नेहा एक कदम और आगे बढ़ाना चाहती है, साथिया यानी किशोर किशोरियों की एक फौज तैयार करना चाहती है, जो अपने हम उम्र लड़के लड़कियों से उनके मन की बात कर सके। इस साथिया प्रोजेक्ट के लिए वो एक आदर्श गांव बनाना चाहती है। क्या डॉक्टर स्नेहा साथिया कार्यक्रम को अंजाम दे पाएंगी? क्या आदर्श गांव का सपना पूरा हो पाएगा? देखते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूं कि अगली कड़ी में।